हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सेकंड डे इन गोवा। मैं अभी जा रहा हूँ अगोड़ा फोर्ट, और मैंने एक्चुअली मापसा से बस लिया था, और मापसा से एक्चुअली उधर डायरेक्टली आपको बस मिल जाएगा अगोड़ा फोर्ट के लिए। थोड़ा सा 3.5 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ मतलब बस स्टैंड से भी अगोड़ा फोर्ट। और आप वहाँ से आएंगे मापसा से बस से, तो आपको हार्डली कितना, बस का कुछ अराउंड 20 रुपीज़ लेते हैं अगोड़ा फोर्ट जो बस स्टैंड है वहाँ तक मापसा से। तो ये सब हिसाब किताब है, और मैं आपको मिलता हूँ जैसे मैं वहाँ पे पहुँचूँगा अगोड़ा फोर्ट में, तो उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप गोवा में आते हैं तो ज़रूरी नहीं आपको बस में ही ट्रैवल करना है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है ये मतलब नज़दीक नहीं है सर, बहुत लंबे लंबा मतलब बहुत डिस्टेंस में आपको मिलेगा। तो आपको मतलब ये देखिए, यहाँ पे एक व्यू है, तो यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है अगर कन्वीनियंट, क्योंकि बस में कन्वीनियंट है, सस्ते में हो जाएगा आपका, बट इशू ये है कि टाइम बहुत कंज्यूम होगा बस के लिए वेट करना, फिर बस रुक रुक के जाएगी हर स्टॉप में, तो इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है आपका। तो गोवा में एक और ऑप्शन भी है, जैसे कि बाइक या कार आप रेंट पे ले सकते हो। तो अगर बाइक का अगर देखेंगे, स्कूटी वगैरह नॉर्मल लेते हैं एक्टिवा, तो आपको अराउंड 200 रुपये से 250 रुपये तक का पर डे रेंट में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको स्कूटी मिल जाएगा और उसमें जो पेट्रोल है वो आपको भरना है। तो ये सारा हिसाब किताब है। और वैसे ही बाइक भी मिल जाता है आपको, फोर व्हीलर भी मिल जाता है पर डे रेंट के हिसाब से। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे कुछ देना नहीं रहता है, आधार कार्ड शायद से, मैंने इतना इंक्वायरी किया नहीं है इसका, तो जहाँ तक मुझे मालूम है आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको देना होता है, और आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस इन द सेंस, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का अगर लाइसेंस भी होगा तो भी वेल एंड गुड। तो ये दिस इज़ व्हाट आई नो आई हर्ड अबाउट। तो ये सारा हिसाब किताब है। तो अगर आप रेंट करके जाते हो सो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट, फटाफट आप जा सकते हो जहाँ मतलब जहाँ भी आपको जाना है। ये आई थिंक एक छोटा सा रिवर जैसा है, बोट्स वगैरह सब रुका हुआ है यहाँ पे। मैं चल के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था। अगर मैं बाइक या स्कूटी लेकर जाता हूँ तो मुझे मतलब अभी जैसा भी यहाँ पे चल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ मैं नहीं कर पाता। देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा, फिशिंग बोट्स है सब। ठीक है गाइस, तो ये मुझे आपको बताना था। अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधा फोर्ट में। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ अगोड़ा, जस्ट थोड़ा ही दूर है। ये देखिए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जंगल, ग्रीनरी। अच्छा टिकट भी है, टिकट के लिए गाइस आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। हाँ
तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए अगोड़ा फोर्ट। तो यहाँ पे जो टिकट है, कोई टिकट भी निकालना पड़ेगा, 25 rupees पर हेड है। यहाँ पे पानी चाहिए तो पानी भी भर सकते हैं। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है फोर्ट। पब्लिक तो है अच्छा खासा। Here we go, हम जा रहे ऊपर। Wow, एक नंबर। बहुत बड़ा फोर्ट है गाइस। ये हम जा रहे हैं अभी अंदर। टिकट चलिए गाइस, टिकट दे दिया है चेक करने के लिए। देखिए पूरा पहले का बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस ओल्ड गोवा। ये है अगोड़ा फोर्ट जो की तरफ भी हम लोग आए हैं। ये है चैपल ऑफ स्ट्रीट सैजेट इन ओल्ड गोवा। और यहाँ पर भी कुछ है फोटोज वगैरह। ये कोकोनट ट्री, ट्रेडिशनल लैंटर्न, टॉडी प्लकर, वहाँ पे टेम्पल आप देख सकते हैं। पहुँच रहे गाइस अंदर। तो फाइनली हम लोग आ गए फोर्ट में। ये देखिए यही है फोर्ट। तो गाइस यही है अगोड़ा फोर्ट। और बेसिकली अगर मैं इसके बारे में अगर आपको कुछ बोलूँ, ये फोर्ट कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था इसका 1609 और इसको 3 साल लगे थे कंप्लीट होने में।
जब भी जाकर 1612 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। और ये जो आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं इसका, ये पोर्चुगीज आर्किटेक्चर है और पोर्चुगीज रूलर्स ने इसको बनाया था अंडर सुपरविजन ऑफ राय। इनके सुपरविजन में इसको बनाया गया था, 3 साल लगा था। और बेसिकली इसको बनाया था, द रीज़न वाई पोर्चुगीज ने इसको बनाया डिफेंस के लिए अपने आप को, जैसा रूलर्स लाइक मराठा एंड डच रूलर्स, इनके डिफेंस मतलब इनके अगेंस्ट मतलब अपना डिफेंस के लिए इन्होंने ये फोर्ट बनाया था। 1612 को इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। और एक मज़ेदार इंफॉर्मेशन मैं आपको अगर दूंगा इसके बारे में, तो ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज यहाँ पे कैपेसिटी था उस टाइम पे, अराउंड आई गेस अराउंड मैंने पढ़ा था अराउंड 23,76,000 गैलन टन्स, इतना इसका यहाँ पे कैपेसिटी था। एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सब हिसाब किताब है गाइस, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, बहुत सही जगह है। बाहर भी जाएंगे जहाँ से पूरा सी का व्यू मिलता है यहाँ पे, स्पेशली इसके लिए बिल्ड किया था इन्होंने मतलब पोर्चुगीज रूलर्स ने। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 400 इयर्स पुराना है, 16 सेंचुरी में बनाया गया था इसको। ये मेरे ख्याल से लाइट हाउस है शायद से, आई एम नॉट श्योर। अगर गाइस किसी को पता है या अगर लाइट हाउस है या और कुछ है, अगर लाइट हाउस है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगाया हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फोर्ट, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको रुचि है हिस्ट्री में। मैंने आपको जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है मतलब, नहीं तो अदरवाइज इसके बारे में बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं। और एक बात, ये जो अगोड़ा जो नाम है ये पोर्चुगीज लैंग्वेज में इसको फ्रेश वाटर बोला जाता है। तो उनके नाम से ही इनका इसका फोर्ट का नाम भी अभी तक वही नाम है, अगोड़ा। चलिए गाइस आगे जाता है। यहाँ से आप सी व्यू देख सकते हैं। एक नंबर व्यू है गाइस, वाओ वंडरफुल। आप देख सकते हैं जो नेचर का जो एक्चुअल ये है, ब्यूटी है, इसको बोलते हैं ब्यूटी। पूरा मतलब आप शोर्स पूरा देख सकते हैं यहाँ से, आगे एक दो शिप भी खड़ा है। पूरा व्यू आ जाएगा, क्लियर व्यू।
दूसरी जगह जाते हैं। इधर यहाँ से अगर आप देख सकते हैं सी का व्यू आगे, वंडरफुल है। तो शायद से यहाँ से भी आप जा सकते हैं। चलो गाइस ऊपर की तरफ सी व्यू का मज़ा लेते हैं। तो हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सी व्यू की तरफ। पीछे के साइड में इतना खास नहीं है, लेकिन ये जो साइड है सी व्यू ब्यूटीफुल है गाइस, ब्यूटीफुल। सेल्फी लवर्स आपके लिए सही जगह है, सेल्फी खींच सकते हैं, एक से एक सेल्फी खींच सकते हैं सी व्यू की तरफ। ये देखिए समुद्र पण दिसत आहे, इथे काढूया ना, पूरा व्यू है यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं पोर्ट का। तो यहाँ पे तो इतना कुछ है नहीं, ये क्या है, सब टूट गया है अभी फिलहाल। ओहो ये वाला सीन है। पहले का जो कंस्ट्रक्शन है देखो, इसको बोलते कंस्ट्रक्शन 400 ईयर्स। तो हम लोग अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखिए पूरा ऊपर से नज़ारा फोर्ट का। बहुत सही जगह है, मतलब वर्थ है आने का। यहाँ पे फैमिली के साथ आएंगे तो बहुत बढ़िया। आइकॉनिक हिस्टोरिकल प्लेस है। ये पकड़ हां ये पकड़ जल्दी पकड़ ये आलो ना